हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती 2023, इसका जो अंतिम फॉर्म अप्लाई करने की तिथि रखी गई थी 10 जुलाई 2023। तो इस प्रकार आप इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो समाप्त हो चुका है और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो ऑफिशियल डाटा है वो भी जारी कर दिया गया है। तो आज के इस सेशन में हम लोग यह देखने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ा समझिए कि कैंडिडेट के बीच में एक हवा बना हुआ था कि कितने ना जाने लाखों करोड़ों फॉर्म इस प्रकार ओपन कर दिया गया है ऑल जनरल सीट पर। तो बहुत सारे हवा बना था कि लाखों करोड़ों फॉर्म गिरेंगे, लेकिन मैं आज आप लोग को वास्तविकता से रूबरू कराने वाला हूँ कि आखिरकार में कितने फॉर्म आवश्यक तौर पर ऑफिशियल डाटा के अनुसार कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, सो कुल कितने फॉर्म हुए ये आंकड़े आप लोगों को चौंकाने वाली है। और आंकड़ों से आप लोगों को डरना नहीं है क्योंकि बहुत सारे इसके फैक्टर है, बहुत सारे आप लोगों को तरह तरह की बातें सुनने को मिलेगी, साथ ही साथ 60-40 का जो फैक्टर है वह भी सुनने को आप लोगों को मिलेगा। 60-40 के फैक्टर के आवाज़ में सबसे पहले हम लोग बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट आप लोग को ये गुमराह करने की भी कोशिश किया जा रहा है लोगों के द्वारा कि 60-40 60-40 इसमें सीटों का इस प्रकार रिजर्वेशन किया गया है। तो वैसा कुछ नहीं है, मैं आप लोग को इसका बार प्रत्येक वीडियो में बीते दिन जो भी प्रीवियस वीडियोस जो आप लोगों को इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड किए गए हैं उसमें भी आप लोग को वही बात बताया गया था जो अभी बताने वाला हूँ। 60-40 ये सिर्फ कहने की है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार कितना कंपटीशन है। सो जाहिर सी बात है कंपटीशन तो पिछले के मुकाबले इसमें रहेगी बिकॉज इसमें ओल्ड कैंडिडेट को भी शामिल किया गया है, साथ ही साथ जो नए जेनरेशन के कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र अभी 18-19 लगभग 19-20 हो रही है वे कैंडिडेट यहां पे दोनों का मुकाबला साथ में होने वाला है। जो कैंडिडेट 2018 में अप्लाई किए थे उन कैंडिडेट के साथ 2000 जो अभी रिसेंट में 19-20 साल हुए इन कैंडिडेट दोनों के बीच में मुकाबला होने वाला है। तो कंपटीशन तो इसमें थोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन कंपटीशन उस प्रकार भी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि आप लोगों को भी पता है जिस प्रकार दुनिया जिस प्रकार डेवलप हो रही है उसी तरह से डिस्ट्रैक्शन भी उसी प्रकार बढ़ता चला जा रहा है। अभी बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी सुदूर एरिया क्षेत्रों से विलेज से बिलोंग करते हैं या कहीं का भी कैंडिडेट हो आज इस सोशल मीडिया के तौर पर वह कहीं से भी अपने स्टडी को कर सकता है। इस प्रकार एक देखा जाए बड़ा फैक्टर है कंपटीशन थोड़ा इसमें रहने का, लेकिन वहीं बात करते हैं तो इसमें डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारी है। तो उस प्रकार जो लोग अभी कहते हैं कि अभी जो सबसे पहले कि अभी बहुत सारा ये पढ़ने का जरिया निकल गया है, लेकिन जिस प्रकार धीरे धीरे डेवलप हो रही है उसी प्रकार आप मोदी जी का हर वर्ष मन की बात सुनते होंगे जो कि हर वर्ष बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले उनके द्वारा मन की बात की जाती है स्टूडेंटों के द्वारा। तो वहीं 2000 कोरोना से पहले यदि आप सुनते होंगे मन की बात 2015-16 में तो वहां उस प्रकार का प्रश्न उठ के नहीं आता था, लेकिन यदि आप एक दो वर्ष पिछले साल देखे कोरोना जो भी है उसके बाद तो पहला आप लोग प्रश्न देखते होंगे स्टूडेंट का कि ये जो सोशल मीडिया है इससे किस प्रकार डिस्ट्रैक्शन से बचे, ये जो व्हाट्सएप फेसबुक टिकटॉक क्या क्या ना जाने क्या क्या इस प्रकार के मीडिया है इस प्रकार इससे कैसे बचा जाए। तो पहला प्रश्न आज का जेनरेशन का वही रहता है। तो ये चीज़ बातें हैं कि जिस प्रकार से अभी डेवलप हुआ है उसी प्रकार से डिस्ट्रैक्शन भी है। तो वैसा कुछ नहीं, वो तो आने वाला समय रिजल्ट बताएगा कि कितना कंपटीशन है और नहीं। और उनसे भी नहीं डरना है कि आप ये भी बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे कि जो भी एग्जामिनेशन होता है बाहर में उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए चले जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो उनके द्वारा सुनते होंगे कि 75 प्रश्न है तो 75 में 75 बना दिए, 100 में 100 बना दिए। तो वे कैंडिडेट भी जान चुके हैं कि ये किस प्रकार क्या भाव से आते हैं, सो अब कैंडिडेट उनका पूरा मौका का फ़ायदा उठाते हैं। वो एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं 100 में 100, बस में बैठते हैं तो 90, वही घर पहुंचते पहुंचते उनका आ जाता है 60-70,
ये सिर्फ कहने की बात है, आप लोगों को इन भीड़ से डरना नहीं है। और रही बात इसमें टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म की, तो टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म इसमें 7 से 8 लाख के ही समथिंग फॉर्म गए हैं। 7-8 लाख से ज़्यादा इसमें फॉर्म नहीं भरे गए हैं। और या इतना तो आप लोग एश्योर रहिए, आश्वस्त रहिए कि आप लोगों का जो भी कंपटीशन है वह आपके झारखंड के कैंडिडेट से ही होने वाला है। जो 60-40 का अफवाह फैला है कि सब बिहारी, सब उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट आ जाएंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। बिहार में अभी वहाँ फॉर्म फिलअप हो रहा है 60-70 हज़ार के समथिंग बिहार पुलिस की वैकेंसी। बहुत ही जल्द यूपी में आने वाला है 60-70, जिस प्रकार वहाँ से जनसंख्या है, तो 60-70 हज़ार वहाँ यूपी पुलिस की, साथ ही साथ यूपी एसआई की। बिहार में बात करते हैं तो आप भी सुनते होंगे इंटरव्यू, 2244 दरोगा, 4400 इतना दरोगा, यानी कि 1-2 वर्षों के अंतराल में वहाँ वैकेंसी जारी की जाती है। तो वहाँ का कैंडिडेट वहाँ अपना खुद तैयारी करेगा, या फिर यहाँ 150-200 जो जनरल कैटेगरी का सीट है इसमें तैयारी करने के लिए आएगा। और यहाँ का जो एग्ज़ामिनेशन है उसका तो हालत पता ही है। क्या यहाँ झारखंडियों को पता है, क्या वहाँ के लोगों को पता नहीं है कि किस प्रकार से वहाँ का किया जाता है? सो हर एक वैकेंसी बिना 4-5 जो भी स्टेप है, जो एग्ज़ामिनेशन है, जो मेरिट है, मेडिकल है, वो तो होना ही होना है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग को और तरह के फेज से गुजरना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आप लोग को सोचने वाली बात है। आप लोग कहीं पे भी ये मत सोच लीजिए, कहीं पे आप लोग बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि 15-20 लाख फॉर्म भरा गया है, तो वास्तविकता वो नहीं है। 15-20 लाख कैंडिडेट मायने रखते हैं। आप लोग अधिकतम मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलिए कि 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो आप कैसे, किस प्रकार फॉर्म भरे गए ये आप लोगों को भी पता है। तो कंपटीशन बहुत ही कम कैंडिडेट में रहने वाला है, आप लोग डरिए मत। और इतना भी आश्वस्त रहिए कि ये वैकेंसी पूरी तरह से करवाई जाएगी, क्योंकि इससे भी पहले रिपोर्ट आप देख सकते होंगे, रिकॉर्ड तो 2-4 वर्षों से पहले भी यहाँ वैकेंसियाँ आई है, उसकी नियुक्ति हुई है, पंचायत सचिव का ही, टीचर का, या जो भी झारखंड पुलिस कछपाल जो भी है उसकी नियुक्ति हुई है, और आने वाला समय में भी होगा। ये सिर्फ आप लोग को मेंटली सोच को डेवलप करना है, मेंटली थॉट आप लोग का ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार आप सोचते हैं। सो लोग तो अभी भी बहुत सारे इस प्रकार फैल रहा है कि सभी सीट बिक रहा है, ये सिर्फ कहने की बात है और सोचने की बात है। तो बस यही आप लोग को अपडेट देना था कि मैक्सिमम आप लोग 10 लाख मान के चलिए उतना ही फॉर्म इसमें फिलअप हुए हैं, उससे ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं हुए हैं। और हाँ, बस आप लोग अपना बेटर देने की कोशिश कीजिए, जिस प्रकार मैंने आप लोग को बताया कि जिस प्रकार अभी